हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। टी शर्ट कहाँ है आप लोगों की? आज एकदम मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? जल्दी से बताएंगे। छोटे एनएलएम चल रहा था भाई। चलिए, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। आपको फ्रिक्शन की सीपीपी मिल गई? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट, तो अपन फ्रिक्शन एनएलएम दोनों कर सकते हैं। हाँ या ना? कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा अपन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 अपने को करना था, राइट। स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया था, करेक्ट है कि नहीं है? क्या है स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट बता बेटा? स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट सीखा था? सीखा था। चलिए, तो स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट क्या था बेटा? आप स्प्रिंग के अंदर टेंशन निकाल लें, राइट एवरीवन, और उसको किससे डिवाइड कर दे बेटा? जी से डिवाइड कर दे। क्लियर है कि नहीं? दो स्प्रिंग बैलेंस अगर सीरीज में लगे हैं तो हमने को पता है सीरीज में फोर्सेस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। दैट इज वाई द रीडिंग इन सीरीज विल बी सेम। ऑल राइट, वाइल इन पैरल, मतलब स्प्रिंग बैलेंस एकदम सेम होने चाहिए। हाँ या ना? दोनों की वैल्यू के होनी चाहिए। अगर के हो गया, 3 के हो गया, तो रीडिंग वही दिखाएगा जिस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, खुद की स्प्रिंग है, बताया था कि नहीं? ये चीज दोबारा से याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। X1 जो होगा, राइट एवरीवन, दैट वुड बी गिवन बाय K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू टोटल X। और X2 कितना हो जाएगा बेटा? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू टोटल X। ऑल राइट एवरीवन, ये कब है? जब स्प्रिंग्स कैसी हैं बेटा? सीरीज में है। और जब स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो फोर्सेस क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किस रेशियो में? सेम रेशियो में। K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ टोटल फोर्स, और K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ टोटल फोर्स। ये कब होता है? जब स्प्रिंग कैसे हो बेटा? पैरेलल में हो। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑल राइट गाइस, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22। ट्राई किया किसी ने? चलिए जल्दी से ट्राई करके दिखाएं प्रॉब्लम नंबर 22 बेटा। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैमरा थोड़ा लेफ्ट करवा दीजिए भैया, कैमरा लेफ्ट है। ओके सॉर्टेड। क्या हाल चाल आप लोगों के? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करेंगे बेटा। होला शिवम। क्वेश्चन बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स ऑन अ वुडन वेज विच इन टर्न स्लाइड्स बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज गिवन एम एंड कैपिटल एम एंड एंगल थीटा। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। सेम इस टाइप की प्रॉब्लम आपको वर्क एनर्जी पार वर्क पार एनर्जी में मिलती है, करेक्ट है कि नहीं? तो सेम इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन में भी मिलेगी। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये एंगल कितना है बच्चे? थीटा है। ऑल राइट, देखिएगा ये नीचे आ रहा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। हाँ याना, ये नीचे आएगा तो ये पीछे चलेगा। ऑल राइट गाइस, और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो उसको करने के कई तरीके हैं, राइट? यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट बाय 3 और 4 मेथड्स। ठीक है, एक सूडो फोर्स के कंसेप्ट से कर सकते हो, एक ग्राउंड फ्रेम में रह के कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो बेटा, कौन सा कंस्ट्रेंट लगा के? वेज कंस्ट्रेंट लगा के भी कर सकते हो। वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है? कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले अपन ग्राउंड फ्रेम में करने की कोशिश करते हैं, क्लियर है? इट्स ए स्टार मार्क क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को। सी, मान लेते हैं स्मॉल ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज।
चमका क्या चीते, और मान लेते हैं ये पीछे की तरफ कैपिटल ए से जा रहा है, एंड दिस कैपिटल ए बी नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ओके। तो आप कौन से फ्रेम में सॉल्व करना चाहते हैं पहले तो ये देखते हैं, अपन दो फ्रेम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अपन देखते हैं ग्राउंड फ्रेम में, अभी लिखना नहीं है, पेन डाउन, बोर्ड पे ध्यान देना एकदम। सबसे पहले किस फ्रेम में सॉल्व करते हैं अपन, ग्राउंड फ्रेम में। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट इन द ग्राउंड फ्रेम। चल देख छोटे, ग्राउंड फ्रेम की अगर मैं बात करूंगा तो सारे एक्सेलरेशन मुझे ग्राउंड फ्रेम में चाहिए होंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्सेलरेशन ऐसा है जो किसके फ्रेम में है, वेज के फ्रेम में है। तो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस एक्सेलरेशन इन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। देखना ध्यान से, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, टेल मी यस और नो। तो कुड आई से ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, व्हाट इज ए, ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकता हूं, ये लिखा है ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। क्लियर है क्या एवरीवन? चलिए सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखा जा सकता है, माइनस ए आई कैप, टेल मी यस और नो, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, करेक्ट है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, नहीं, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो व्हाट कैन आई से, आपको पता है भैया ए बी डब्ल्यू जो होगा दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अबे बोलो हाँ या ना, चलो ध्यान से देखना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बेटा, दिस वुड बी नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज, व्हाट वॉज ए बी डब्ल्यू, ए बी डब्ल्यू वॉज ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, एंड व्हाट वॉज ए डब्ल्यू जी, दैट वॉज माइनस ए आई कैप, ओके। ए बी जी की वैल्यू कितनी आ गई छोटे, ए कॉस थीटा माइनस ए टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस ए साइन थीटा टाइम्स ऑफ जे कैप। भैया यहां तक सबको समझ में आया गया, मेरे को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है इसीलिए मैंने सबकी एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में निकाल ली। इसकी एक्सेलरेशन तो ग्राउंड फ्रेम में मैंने कैपिटल ए अज्यूम ही की थी, राइट एवरीवन, मैंने इसकी एक्सेलरेशन अज्यूम नहीं की थी ग्राउंड फ्रेम में, करेक्ट है। इसकी एक्सेलरेशन किस फ्रेम में अज्यूम की थी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, हियर आई गेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है क्या? अब दोनों की एफबीडी बनाते हैं, छोटे वाले की एफबीडी बना ब्लॉक की, तो कैसी दिखेगी कुछ। सी यहां कहीं नॉर्मल लग रहा होगा, यस और नो, नीचे क्या लग रहा है छोटे, एम जी, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं। और इस ब्लॉक के पास अब दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, आई कैप एंड जे कैप, परफेक्ट है या नहीं है? तो एक्सेलरेशन एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, परफेक्ट है। चलिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस और नो, एंड व्हाट वुड बी दिस एंगल, थीटा, कुड आई से क्या, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर दो कंपोनेंट कर सकता हूं, कौन कौन से, एन साइन थीटा और ऊपर क्या कर सकता हूं बेटा, एन कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। एन साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के लिए, यस और नो, और एम जी माइनस एन कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के लिए, एम आई क्लियर? तो कुड़ाई से ध्यान सुनना, एन साइन थीटा मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज स्मॉल एम इंटू ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए, एम आई क्लियर और नॉट, हाँ या ना। अगला बता मुझे, mg माइनस एन कॉस थीटा, mg माइनस एन कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ma साइन थीटा, देख ध्यान से, ये माइनस j कैप में है, हाँ या ना, इसीलिए मैंने माइनस वाले फोर्स से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया है, क्लियर है क्या, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। नाउ अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन, अब ये बन गई आपकी
दूसरी इक्वेशन। तीसरी चीज क्या है आपको पता है? अब वेज की FBD अगर आप बनाओगे, यस और नो, तो इस पे भी सेम नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा, जिसमें इधर कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, हाँ या ना, इधर कंपोनेंट आएगा n sin थीटा, और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है, ठीक है। ग्राउंड भी एक नॉर्मल लगाएगा इसके ऊपर n डैश, और इसका खुद का वेट भी लग रहा होगा कितना बेटा, mg, परफेक्ट है या नहीं है? तो कुड़ई से कि n cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है इसको कहाँ के लिए? लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन के लिए, हाँ या ना। तो कुड़ई से n cos थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कैपिटल M इंटू कैपिटल A। एम आई क्लियर गाइस? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो क्या? नाउ अब मैं चाहता हूं किस फ्रेम से सॉल्व करना? वेज वाले फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना चाहता हूं। चलिए तो करते हैं दूसरा, कौन से फ्रेम से? वेज फ्रेम से। तो अगर वेज फ्रेम की बात करूंगा तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जिस फ्रेम में आप बैठे हो वो खुद ही एक्सेलरेटेड है, तो वो सूडो फोर्स इस पे कहां लगाएगा? आगे की तरफ। तो डायरेक्टली अपन बात कर लेते, देखना ध्यान से, इस ब्लॉक की अगर एफबीडी की बात करोगे आप, तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज एम जी, व्हाट वुड बी सूडो फोर्स? दिस विल बी इसका मास इनटू कैपिटल ए, यस और नो? हमें क्लियर गाइस? और इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? S डायरेक्शन में, कितनी है? स्मॉल a, करेक्ट है। तो मैं क्या कर दूं, सारे फोर्सेस को इसकी डायरेक्शन में ले लूं? टेल मी यस और नो, क्या नॉर्मल का कोई कंपोनेंट आएगा क्या इसके डायरेक्शन में? नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा? देखो MA है, ये एंगल कितना है बता मुझे, ये थीटा है कि नहीं, करेक्ट है। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? स्मॉल MA cos थीटा, टेल मी यस और नो, प्लस mg साइन थीटा। और एक और चीज, तो स्मॉल ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? mg cos थीटा आएगा, यस और नो? और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ma साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस, मतलब n प्लस ma sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। लिख सकते हैं आप, n प्लस ma sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा? mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ma cos theta plus mg sin theta, that must be is equals to mass times of acceleration, yes or no? This is equation number 2, and again the third equation will remain same, n cos theta will be is equals to capital M into A। वापस से तीन equation, तीन variable solve कर लोगे, yes or no? तो कभी भी याद रखना, इस टाइप के कैसे भी प्रॉब्लम आए आप किसी भी फ्रेम से सॉल्व कर सकते हो, पर अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो तो बसरते इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्या कि जितने भी एक्सेलरेशंस लिखें आप किस फ्रेम में लिखें बेटा? ग्राउंड फ्रेम में, हाँ या ना? और अगर आपको इसी फ्रेम में सॉल्व करने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली उस बॉडी पर सूडो फोर्स लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर हो गया कि नहीं? और उसमें एक्सेलरेशन तो अपने को पता था इस डायरेक्शन में, नोटेड डाउन एंड गेट मी द आंसर, वैल्यूज आपको सारी पता है। हेलो प्रणीत, यस बेटा, जिसमें आप कन्वीनियंट है, सूडो वाले में है तो आप कर लो।
सुशांत समझ में आया बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गेट मी द आंसर. क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड इक्वेशन इज सेम बेटा. दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेज, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? एन कॉस थीटा, राइट. एन कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, करेक्ट है ना? दैट्स व्हाई आई राइट कैपिटल एम टाइम्स ऑफ ए. जल्दी कर, जल्द छोटे, जल्दी कर, जल्दी कर मेरे भाई. गेट मी द आंसर. वैल्यूज रख के ना तीन इक्वेशन सॉल्व कर घटाक से. पुट द वैल्यूज एंड गेट मी द आंसर. आंसर इज फोर. फोर्थ ऑप्शन छोटे, या फिर फोर्थ, फोर्थ या 2g/3 इज करेक्ट. एब्सोल्युटली एक्सेलेंट ब्राउनी. सारी वैल्यूज आई थिंक आपको दे रखी है ऑलरेडी प्रॉब्लम में, है ना? स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड ए थीटा इज गिवन. इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट स्मॉल ए एज 2g/3. कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू? 2g/3. Shall we move on? कर सकते बेटा आप लोग ये? चलिए शाबाश. चलिए कम टू प्रॉब्लम नंबर 24, दैट मिसलिनियस टाइप. व्हाट डज इट से? चलिए, कंसिडर अ फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ टू थिन मासलेस रॉड ए बी एंड ए सी एज शोन इन द फिगर. वर्टिकल फोर्स पी ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन इज अप्लाइड at point A of the frame. Suppose the force is P resolved parallel to the arms AB and AC of the frame. Acha, resolution ka matlab ye nahi hota hai ki aap hamesha 90 degree pe resolve karein. Aap kisi bhi cheez ko kisi bhi angle pe resolve kar sakte hain. All right guys, resolution ka matlab ye nahi hota hai ki sirf aap 90 degree pe resolve kare, aap kisi bhi force pe kisi bhi angle pe resolve kar sakte hain. All right, par ha uske perpendicular jo component aayega uske resolution ka, wo obviously kya aayega, matlab samajh rahe ho na? कहीं भी आप उसको रिजॉल्व कर सकते किसी एंगल पे. तो आपसे पूछ रहा है, सपोज द फोर्स इज पी रिजॉल्व्ड पैरेलल टू आर्म ए बी एंड ए सी ऑफ द फ्रेम. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व्ड कंपोनेंट अलोंग द आर्म ए सी इज एक्स न्यूटन्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स नियरेस्ट टू द इंटीजर एज. कोई दिक्कत नहीं छोटे, ये रहा ए, दिस इज ए सी, राइट, एंड दिस इज ए बी. फोर्स आपने ऐसा लगाया, यस और नो, दैट इज 100 न्यूटन्स.
तो एसी के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा? इफ दिस एंगल इज थीटा, द आंसर शुड बी 100 कॉस थीटा. टेल मी यस और नो. क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, क्लियर है क्या? आपसे पूछा है एसी के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आएगा. इफ दिस इज थीटा, 100 कॉस थीटा विल बी द आंसर. लेट अस ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. ये पूरा एंगल कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 145, 145 डिग्री. हाँ या ना? तो अगर ये 145 है तो ये 90 होगा. हाँ या ना? सही है. 9, 4, 13, 1, 14. और ये कितना हो जाएगा बेटा? 55. इफ दिस इज 55, व्हाट दिस एंगल विल बी? आई थिंक 35. 35 और 55 कितना हो जाएगा? 90. द आंसर शुड टर्न आउट टू बी 100 cos 35. एंड आई थिंक 35 की वैल्यूज दे रखी है, 0.819. करेक्ट है क्या? आंसर शुड बी 81.9. अच्छा कोई ऑप्शन है? 82. ऑल राइट गाइस, ए बी के अक्रॉस पूछा होता तो अपने को ये वाला एंगल चाहिए होता. हाँ या ना? चलिए अगला करते हैं. गुड इवनिंग बेटा. नो यस, दिस इज अ क्लास ऑफ आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स बेटा. चले आगे की तरफ. चल छोटे, शाबाश. मिटा दो ये, सबने लिख लिया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइज. A ball weighing 10 gram hits a hard surface vertically with a speed 5 meter per second and rebounds with the same speed. नीचे जाती है, टकराती है. कितने से टकराती है छोटे? 5 meter per second से. और rebound कितने से होती है? Same speed से. Yes or no? Now, the ball remains in contact with the surface for 0.01 seconds. राइट एवरी वन. यहां पे सरफेस के साथ कितनी देर रहती है बॉल? 0.01 seconds. क्लियर है क्या? नाउ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉल इज. नाउ एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स क्या होगा बेटा मुझे बताओ? एवरेज फोर्स कुड बी रिटन एज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. टेल मी यस और नो. तभी तो जब इंस्टेंटेनियस फोर्स अपन से पूछता है तो अपन डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देते हैं, इट बिकम्स डीपी बाय डीटी. यस और नो? सो कुड आई से एफ एवरेज टाइम्स ऑफ डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा पी. करेक्ट है या नहीं है? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी? सबसे पहले इनिशियली बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, उसके बाद रीबाउंड होकर ऊपर की तरफ चली गई. तो चेंज इन मोमेंटम विल बी व्हाट बेटा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. What was P final? P final was nothing but M V J cap with a negative direction. Tell me yes or no. Sorry, P final. Okay, okay. Sorry. ये initial लिख दिया अपन ने. हाँ या ना? What is P final? That is M V J cap. Yes or no? Minus of. What was P initial? Minus M V J cap. Absolutely correct. कितना हो जाएगा छोटे ये? 2 MV J cap. Yes or no? So if I talk about magnitude, magnitude ही पूछा आपने से, तो magnitude of delta P कितना निकल के आ गया अपने पास? 2 MV. So could I say average force would be given by, average force का magnitude would be given by 2 MV upon 0.01, because the change in time is already given in the problem. The answer will turn out to be whatever you solve. कर कितना आ रहा है छोटे? कितना आ रहा है? Okay, B, 10 newtons, yeah, 10 newtons would be the answer to the problem.
चलें छोटे आगे की तरफ। अच्छा, कई कई बार स्ट्रिंग कटिंग वाले क्वेश्चंस भी पूछता है आप लोगों से, आता है कंसेप्ट? ओके बता देता हूं, कर लेते कटाक्ष कर लेते। चलो लिख लिया सबने, चल छोटे आगे चलते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26। समझ में आ रहा है तेरे को? पक्का? राइट। व्हाट डज द 26 प्रॉब्लम सेज? In the system shown in the figure, the acceleration of 1 kg mass and the tension in the spring connected between A and B is. कर लोगे ये? Easy सवाल है, हो जाएगा, try कर लेना। The answer will turn out to be option 3, 6g/7. Yes or no? दो अलग स्प्रिंग है, दो अलग टेंशन माननी पड़ेगी आपको, T1 and T2. Okay guys, चलिए next problem. 27th problem. A rod AB is shown in the figure. The end A of the rod is fixed on the ground. Okay. And block is moving with velocity root 3 meter per second towards right. Okay. The velocity of end B of the rod when rod makes an angle 60 degree with the ground. Mita do ye, likh liya sabne. Problem number 27th we are talking about. ऐसा कुछ है, ऑल राइट गाइस। और ये कितनी स्पीड से आगे चल रहा है? रूट 3 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? तो सबसे पहले तो एक सिंपल वेज कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं उसमें आप, हाँ या ना? चलिए देखते हैं। ये पॉइंट फिक्स्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। तो मान लेते हैं कि इस एंड बी के पास दो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज 1b vy एंड सॉरी मतलब एक ही वेलोसिटी है जिसके दो कंपोनेंट है, राइट? लेट अस सपोज vb इज अज्यूम्ड एज vx i कैप प्लस vy j कैप। एम आई क्लियर गाइस? तो भाई अगर ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है तो vx की वैल्यू तो पता चल गई अपने को, रूट 3, हाँ या ना? vx should be equals to what? Root 3 meters per second. ये कहां से लिखा बेटा अपन ने? वेज कंस्ट्रेंट, हाँ या ना? Now, how would we get the value of vy? ध्यान सुनना, how would we get the value of vy? अब इधर देखिएगा ध्यान से, तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा ये नीचे की तरफ आएगा, हाँ या ना? तो दिस लेंथ, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, दिस लेंथ एल विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, राइट? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक्सटेंड तो होगी नहीं है, हाँ या ना? पर होगा क्या, एक्स बढ़ रहा होगा वाई घट रहा होगा, टेल मी यस और नो। सो कुड आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू, टेल मी यस और नो। कुड़ाई से अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2x dx by dt plus 2y dy by dt must be equals to zero? अरे बोलो हाँ या ना? आपको ये पता है अपने आप में कि dy by dt will be decreasing? ये ऑलरेडी कैसी टर्म है? एक नेगेटिव टर्म है। और आपको vx पता है, तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली? ये लिखा है 2x vx, हाँ या ना? प्लस 2y vy is equals to 0. Matter close. आपको पता है x vx plus y vy is equals to 0 लिखा हुआ, tell me yes or no? vx की वैल्यू आपको पता है, get me the value of vx and vy both, जल्दी vy की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आपको एंगल, ध्यान सुनना, आपको एंगल भी दे रखा ही है,
कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो आपको पता है 1060 कितना है, y बाय x निकालो, माइनस वन, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो कुड आई राइट, क्या हो जाएगा बेटा ये x इंटू रूट थ्री वी एक्स की वैल्यू है, यस और नो, प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू क्या लिख दू माइनस y इंटू वी वाई बेटा, और y बाय x कितना 1060, 1060 इज व्हाट रूट थ्री, तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री इंटू वी वाई, मैटर मैटर क्लोज, वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टेल मी यस और नो, सो इस वेलोसिटी ऑफ बी को क्या लिख सकता हूं मैं, नाउ वेलोसिटी ऑफ बी कैन बी रिटन एज रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप, टेल मी यस और नो करेक्ट है या नहीं है, सो व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड बेटा, अंडर रूट ऑफ रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, क्लियर है क्या छोटे, 2 मीटर पर सेकेंड, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, सो दैट ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, Let us move to last two problems. लिख लिया गया, चलिए 28 problem, क्या बोल रहा है, block B is moving toward right with constant velocity v naught, right? Velocity of block A with respect to block B is, अब इसमें ध्यान से सुनना क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, करके दिखाएं, ट्राई इट आउट गाइस, कौन सा आ रहा है बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग ट्राई करें, सिर्फ वही वाले मेथड लगा दिए घटाक से बेटा, आगे वाला कितने से भाग रहा है, वी नॉट से, सी दिस इज ए राइट, दिस इज बी, ये v नॉट है बेटा, इसको मैं मान लेता हूं v, इसकी वेलोसिटी क्या मान लेता हूं v, तो क्या हो जाएगा ये टेंशन इसमें सब में सेम रहेगा, इधर भी t सही है कि नहीं, इधर भी t, यहां कितना लगेगा टेंशन 2t, यहां कितना लगेगा टेंशन 2t, बोलो हाँ या ना, सिग्मा t डॉट v मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, कितना जाएगा ये माइनस 2t इंटू v नॉट, हाँ या ना, सॉरी माइनस 3t into v0,
इस पर टेंशन कितना लग रहा है टोटल, 2t + t, और इसके लिए क्या लिखोगे बेटा आप, प्लस 2t × v मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो, मैटर क्लोज, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3v0, लेकिन आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ यहाँ ना, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वुड बी गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इट विल बी बेटा 3v0 माइनस v कितना है v0, दैट विल बी 2v0 आई कैप, हाँ यहाँ ना, यही तो चेक कर रहा था मैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही रखना अपने को, करेक्ट है, तो दिस विल बी व्हाट, वेरी गुड, लाइक इट, चलिए कर लिया सबने, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट प्रॉब्लम, सर रिपीट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन कुछ नहीं है छोटे, ये वी नॉट से जा रहा था, आपको पूछा इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिग्मा टी डॉट वी को आप जीरो कर सकते हैं, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट अप्रोच, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें नेट टेंशन कितना लग रहा है 2t + t 3t, पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज व्हाई आई हैव राइट -3t v0, क्योंकि टी डॉट वी है, डॉट का मतलब होता है बेटा कॉस थीटा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यू कुड राइट -3t v0, परफेक्ट है, प्लस 2t × v इज इक्वल टू जीरो, वी की वैल्यू 3/2 v0 आ गई, आपसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा था, दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v0/2, ओके गाइस, चले आगे की तरफ, नाउ जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है ना, वाली प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं 1/(m1+m)4/(m=1) है ना, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, इसका ना अपन ना बहुत बड़ा रूप बना सकते हैं इस प्रॉब्लम का, तो एक बढ़िया सी कंसेप्ट सीखते हैं, इनफाइनाइट पुली सिस्टम, क्या सीखते हैं इनफाइनाइट पुली सिस्टम, ओके चलिए लेट अस ट्राई टू फिगर आउट, सी वो क्वेश्चन तो छोटा सा है, ये तो आप लोग कर लोगे राइट, लेकिन अगर इनफाइनाइट पुलिस सिस्टम्स के बारे में अगर सवाल पूछे तो कैसे अप्रोच करेंगे राइट, देखते हैं ध्यान से, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो आप, अगर यहां M1 है, यहां M2 है, और मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर सिर्फ एक ब्लॉक से रिप्लेस करना चाहूं, क्या करना चाहूं, क्वेश्चन समझना ध्यान से, ये M1 है, ये M2 है, मान लेते हैं अगर यहां टेंशन T है, यहां T है, तो यहां कितना होगा बेटा, यहां क्या बोल दूंगा कितना होगा, और ये मान लेता हूं M है, अगर मैं इस पूरे कॉम्बो को एक ब्लॉक से रिप्लेस करना चाहूं तो इस ब्लॉक का मास कितना होगा, इफेक्टिव मास, समझ रहे हो, सच दैट यहां पर टेंशन कितना आएगा, 2T की वैल्यू कितनी आएगी, Mg के बराबर, यस और नो, समझ रहे हो अपन क्या करना चाह रहे हैं, दोबारा से क्लियर कर देता हूं, इस कॉम्बो को मैं इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस करना चाहता हूं, सच दैट ये पूरा का पूरा यहां पे 2T को किसके बराबर हो रहा है, 2T की जो वैल्यू है वो क्या रहे, Mg के बराबर आ जाए, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट M एज अ फंक्शन ऑफ M1 एंड M2, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट, क्लियर है कि नहीं, चलिए तो ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, यस और नो, तो क्या लिखोगे बेटा, ये नीचे की तरफ M1g है, यू विल राइट M1g, यस और नो, -t इज इक्वल्स टू M1 × a बेटा, परफेक्ट है, और इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, t − m2g इज इक्वल्स टू M2 × a, टेल मी यस और नो, मैटर क्लोज, कितना आ गया बेटा, M1 − M2 टाइम्स ऑफ g अपॉन M1 + M2 इज इक्वल्स टू a, यस और नो, लेट अस पुट इट इन एनी इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट M1g, हाँ या ना, -t, उसको लिख देता हूँ M1 × a, करेक्ट है कि नहीं, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू t, चमका क्या छोटे, तो ये क्या हो जाएगा M1 × g − M1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर, द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट M1 − M2 × g अपॉन M1 + M2,
बोलो हाँ या ना, क्लियर है बच्चे? व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम एम वन जी, मतलब पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको यहां पे, हाँ या ना? तो दिस विल गिव यू एम वन स्क्वायर जी, हाँ या ना, प्लस एम वन एम टू जी, परफेक्ट है या नहीं है? माइनस, ये कितना हो जाएगा एम वन स्क्वायर जी माइनस माइनस प्लस एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट वुड बी इज इक्वल्स टू टी. तो एम वन स्क्वायर जी से एम वन स्क्वायर जी का मैटर क्या हो गया, क्लोज. इट विल बिकम टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ टी, करेक्ट है या नहीं है? अब यहां से t की वैल्यू कितनी निकल के आई थी बेटा, mg by 2, हाँ या ना? इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं इसके t से, तो मुझे इक्विवेलेंट टाइम पता चल जाएगा. तो यहां से अपने को इक्विवेलेंट टाइम कितना पता चला, देखो ध्यान से उठा के पुट कर, तो कितना आएगा ये बता, 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into g must be equals to कैपिटल एम जी बाय टू, बोलो हाँ या ना? मैटर मैटर क्लोज. देख कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. इसको आप एस इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ओके गाइस. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा. सवाल कुछ यूं है, ऐसे ये इनफाइनाइट है, कैसा है ये, इनफाइनाइट पुली सिस्टम है, करेक्ट है? नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एम सी. कैसे करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. आपको ये पता चल गया क्या कि भाई इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, टेल मी यस और नो, सच दैट द वैल्यू ऑफ दिस मास मस्ट बी इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एम वन एम टू, सॉरी हाँ, फोर टाइम्स ऑफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. नाउ सी, जैसे कि आपने याद किया होगा जब रेजिस्टेंस वाले इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क अपन सॉल्व करते थे, तो उसके अंदर हाँ अपन मान लेते थे कि इधर से देखने पे कितना दिख रहा है एक्स, तो इसके बाद वाले सर्किट से भी एक्स ही दिखेगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर पैरेलल एक्स, ऐसा करते थे कि नहीं बेटा? सेम वही चीज करेंगे, देख ध्यान से. मैं यहां से मान लेता हूं एम डैश दिखेगा, बोल हाँ या ना, करेक्ट है कि नहीं? तो क्या यहां से भी एम डैश दिखेगा? भाई जैसा ऊपर से दिख रहा है वैसे यहां से भी दिखेगा. तो बेसिकली क्या लिखा है, ध्यान सुनना, ये लिखा हुआ है, अब इसका इक्विवेलेंट मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है बेटा, क्लियर है क्या? बोल सकता हूं ना ऐसा, क्या दिक्कत है? तो कुड आई से दैट एम डैश इज नथिंग बट फोर टाइम्स ऑफ एम वन एम टू अपॉन, जल्दी बोल, एम वन प्लस एम टू, मैटर मैटर क्लोज. सो कुड आई से एम प्लस एम डैश इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एम, यस और नो? देख एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स अ गॉन केस नाउ, सवाल का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज. तो इस पूरी कहानी को, ये पूरी कहानी को मैं 3m से रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं? किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 3m से. लेट अस सी, इसको क्या ऐसा बना सकता है, टेल मी यस और नो. खत्म है सवाल, यस और नो बस. अब आप निकाल लोगे ये पूरी की पूरी कहानी को, आप किससे रिप्लेस कर चुके हो, अब 3m से रिप्लेस कर चुके हो, तो आप निकाल लो भाई, है ना, ये कितना नीचे लगेगा. एक्सेलरेशन क्या आता है, फॉर्मूला m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, तो
तो लिख दूं मैं यहां पे 3m माइनस m इंटू जी अपॉन 4m, हाँ या ना बेटा, कुछ गलत लिया क्या? सही है m डैश, देख ले एक बार, देख ले m डैश 4mm डैश अपॉन m प्लस m डैश, खत्म m प्लस m डैश, परफेक्ट, क्लियर है क्या? सो दिस विल गिव यू व्हाट बेटा, 2mg by 4m, matter, close. The answer of the problem is g by 2. हाँ या ना? चले थोड़ा सा और एक्सटेंड करें इसे, एक कंसेप्ट और बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो सी, अभी क्या ना, अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया, याद करो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क जब अपन ने पढ़ा था तो उसके अंदर एक और चीज पड़ी थी, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार x डैश ही आए, 2 times 3 times मतलब बढ़ता जाता था, याद है कि नहीं? दो प्रकार के नेटवर्क बनते थे, ये दूसरा नेटवर्क है, मान लो कुछ ऐसा हो, ये मानते हैं ये m है, ठीक है, हाँ ये 2m है, ठीक है, ये 2 की पावर 2m है, समझ में आ रहा है? m 2m 4m 8m 16m ऐसा बढ़ता जा रहा है, क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान सुनना, अब इसको आप ऐसा देखो, अगर इस पूरी कहानी को, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से मान लो m डैश दिख रहा है, हाँ या ना, यहाँ से मान लेता हूँ m डबल डैश दिख रहा है, यहाँ से मान लेता हूँ m ट्रिपल डैश दिख रहा है, हाँ है ना, तो कोई एक कड़ी अपने को पकड़नी, अपना आंसर आ जाएगा, करेक्ट है? तो क्या लिख सकता था मैं, 4 अपॉन m डैश इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m डबल डैश, यस और नो? सिमिलरली 1 अपॉन m डबल डैश को क्या लिख सकता था, सॉरी 4 अपॉन m डबल डैश को क्या लिख सकता था, 1/2m, यस और नो? प्लस 1/m ट्रिपल डैश, यस और नो? मैं फालतू कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, जब आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे है ना, तो देखना ध्यान से, ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 है, तो ये पूरा जो कॉम्बो आता है दैट टर्न्स आउट टू बी हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, दैट टर्न्ड आउट टू बी 4n माइनस 1 टाइम्स ऑफ m, यस और नो? वैलिड करने के लिए पिछला वाला एग्जांपल देख लो, सब 1 की पावर में बढ़ रहा था, एन की वैल्यू कितनी रखी थी, 1, तो इफेक्टिव एम डैश कितना आया था, यस और नो? सब किसकी पावर में बढ़ रहा है, 2 की पावर में बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो यहां पे इफेक्टिव कितना आएगा एम डैश, 4 into 2 minus 1 into m, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, एक और बनाओ देखो, एक जीपी बन जाएगी आपसे, सॉल्व हो जाएगा वो, सो दिस विल गिव यू व्हाट बेटा, 7 times of m, ऐसे अगर 3 के पावर में बढ़ता तो 4 into 3 minus 1 इट विल बिकम 11m, हाँ या ना? अब क्या ज्यादा ज्यादा और टफ करने की कोशिश करेगा, इधर किसका बना देगा, ये 2 की पावर का चला देगा, इस साइड 3 की पावर का चला देगा, कर लोगे? इस साइड वाला किससे हो जाएगा 7m, ये किससे हो जाएगा 11m, नाउ यू कैन सॉल्व, ऑलराइट गाइस, सो दैट्स व्हाई, देखिए ये छोटा सा फॉर्मूला ही है लेकिन कितना यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है? तो मेक श्योर आपको ये फॉर्मूला याद रहे, फोटो खींच लो इसकी, नो नीड टू राइट इट डाउन, हाय शिवम, गुड इवनिंग अमित,
कैमरा लेफ्ट कर दो भाई थोड़ा सा, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? ये या फिर ये, इससे ना क्या ना कई कई बार ना आपके बहुत रिजॉल्व हो जाएंगे पुली के बेसिस पे। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं बचा, सूडो भी हो गया, स्ट्रिंग कटिंग्स। ओके चलो, लिख लिया सबने? चले लेट अस गो। मिटा दो बेटा ये। अच्छा इस ये वाला जो क्वेश्चन था ऐसा कुछ इंस्पायर था क्या? मैंने फॉर्मूला देख के बोल दिया। हाँ बिल्कुल इंस्पायर्ड था, आप देख के बोल सकते थे, M1 M2 के इफेक्टिव मास निकाल सकते थे, हाँ या ना? तो कितना होना चाहिए था बेटा, वो किसके बराबर होना चाहिए था? मैटर क्लोज है, हाँ या ना? और कहीं मूव नहीं कर रहा है, राइट? तो M1 की वैल्यू एग्जैक्टली उसी के बराबर होगी, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके नाउ लेट अस डू द लास्ट प्रॉब्लम। What does it says? Pendulum of mass m hangs from a support fixed to a trolley. Okay, the direction of the string when the trolley rolls up on an inclined inclination alpha with acceleration a naught is. String and bob remains fixed with respect to the trolley. Okay. ये डायग्राम बहुत उठपटांग है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाना। This is angle theta, right? This is angle alpha. Sorry. This is angle theta, and this whole scene is going with acceleration a naught. Tell me yes or no. ऐसा ही कुछ है? तो किस फ्रेम से करोगे इसको? सूडो लगा के कर सकते हो, ओके? किसी भी फ्रेम से कर सकते हो, बताया मैंने आपको, ठीक है? चले नाउ सी, आप लोग की शकल देख के लग रहा है सूडो लगा दूं मैं, है ना? चले कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत है छोटे? इसमें सूडो क्या लगेगा? आगे की तरफ लगेगा, एम टाइम्स ऑफ ए नॉट, यस और नो? और क्या लगेगा इस पर? टेंशन टी लगेगा, एम जी लगेगा एक, और एक टेंशन टी लगेगा, यस और नो? परफेक्ट है? जो वर्टिकल एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा, यस और नो? नाउ ट्राई टू सॉल्व इट, जल्दी से एक बार ट्राई करो। आ गया? आ जाएगा, आ जाएगा। एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, एवरीवन। 30 का डी, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। डी सही है। चलिए तो फिर एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर क्या आएगा एम जी का कंपोनेंट? एम जी कॉस अल्फा, यस और नो? इधर क्या हो जाएगा एम जी का कंपोनेंट? एम जी साइन अल्फा, क्लियर हो गया? सी टेंशन के भी दो कंपोनेंट, इधर क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? टी कॉस थीटा, ठीक है? और ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे ही है, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं? नहीं समझ में आया बेटा? थीटा ये दे रखा ना बच्चे, ये थीटा दे रखा, देख इसके साथ एंगल दे रखा, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो इसी नॉर्मल के परपेंडिकुलर साथ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ओके गॉट इट? चलो तो क्या लिख सकते हो आप? टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चा? एम जी कॉस अल्फा, एम आई क्लियर और नॉट? ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके पास? m टाइम्स ऑफ a नॉट प्लस g साइन अल्फा विल बी गिवन बाय व्हाट? t साइन थीटा, टेल मी यस और नो? दोनों को डिवाइड कर दो, मैटर मैटर क्लोज कर दो, कितना आ जाएगा? tan थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा भाई? m से m का मैटर भी क्लोज हो जाएगा, a नॉट प्लस g साइन अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा, ऐसे कुछ आ रहा है क्या आंसर? अरे बोल जी, साइन अल्फा नॉट थीटा,
सो दैट वॉज द कहानी फॉर वॉट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. एक बार वो देख लेते स्प्रिंग कटिंग के प्रॉब्लम्स. चले देखते हैं कटिंग ऑफ स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है, करेक्ट है कि नहीं? तो एक आध क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं. यहां से कट कर दिया. ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है मान लेते हैं, के है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या करना है आपको, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग आपको इक्वेशंस लिख लेनी है, करेक्ट है कि नहीं? लेट अस सपोज यहां पर टेंशन कुछ टी है, यस और नो, और यहां पर एक्सटेंशन कुछ एक्स नॉट है. क्लियर हो गया क्या? तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप 2m वाले की बेटा, बिफोर कटिंग ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ 2mg, सो ऑब्वियसली टी वुड बी बैलेंसिंग आउट 2mg, यस और नो? ये किसके पहले की बातें हैं, बिफोर कटिंग. ओके गाइस, चले आगे चलते हैं. छोटे मैं बात करता हूं अब किसकी, m की. किसकी बात करता हूं बेटा, m की. m की fbd बना, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg और t भी लग रहा होगा, क्योंकि बिफोर कटिंग इक्वेशंस लिख रहा हूं. कहां लिख रहा हूं, बिफोर कटिंग इक्वेशंस लिख रहा हूं. सो व्हाट इट विल प्रोवाइड बेटा, के एक्स नॉट शुड बी इज इक्वल्स टू टी प्लस एम जी, टेल मी यस और नो. सो के एक्स नॉट विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, दैट वाज 2mg प्लस mg. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ के एक्स नॉट, 3mg, यस और नो? अब क्या कर दिया है, स्ट्रिंग को कट कर दिया है, राइट? नाउ स्टेप टू, आफ्टर कटिंग अज्यूम एक्सेलरेशन a1 एंड a2. एक्सेलरेशन में अज्यूम कर लेता हूं, क्लियर है कि नहीं? मान लेता हूं कि आफ्टर कटिंग इट शुड फॉल विद एक्सेलरेशन a1 एंड इट शुड फॉल विद एक्सेलरेशन 2t a2. तो ध्यान से देखना, जब स्ट्रिंग को कट कर दिया तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, यस और नो? तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या लग रहा होगा, 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू a1 मान लो लिखा था. तो स्ट्रिंग को कट करते ही t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, करेक्ट है कि नहीं है? तो 2m से 2m का मैटर क्लोज, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, कहां पे, डाउनवर्ड्स. सॉरी, क्लियर है क्या? नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल m, ऊपर वाला m, सॉरी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा था बेसिकली इस भाई के पास, के एक्स नॉट. नीचे क्या लग रहा था भाई के पास, एक एम जी और एक टी भी तो लग रहा था, हाँ या ना? और इसका एक्सेलरेशन आपने क्या माना हुआ, ए टू. तो इसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे आप, एम जी प्लस टी माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए टू. पर आपने आफ्टर कटिंग स्प्रिंग लिखनी है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यस और नो? तो दिस विल गिव यू वॉट, mg माइनस kx नॉट इज इक्वल्स टू ma2. और आपको पता है kx नॉट, लास्ट स्टेप, यूज इक्वेशंस फ्रॉम स्टेप 1. kx नॉट की वैल्यू कितनी है, 3mg, करेक्ट है कि नहीं है? तो दिस विल गिव यू mg माइनस 3mg इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ a2. मैटर क्लोज, a2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2g. मतलब आपने अज्यूम कहां किया था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, एट इट इज मूविंग विद a इक्वल टू 2g अपवर्ड्स. हमें करेक्ट गाइस, जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, ये एक्सचेंज कर दो, स्प्रिंग ऊपर कर दो, स्प्रिंग नीचे कर दो, ट्राई टू सॉल्व,
ट्राई टू सॉल्व. स्ट्रिंग ऊपर, स्प्रिंग नीचे, बट थीटा के अलॉन्ग. सर एम जी तो डाउनवर्ड लगना चाहिए. एम जी तो डाउनवर्ड ही लगाया ना बेटा. आर्यांश एम जी डाउनलोड ही लगाया था बेटा. और अल्फा एंगल था ना, तो एम जी कॉस अल्फा लिया था. क्या बेटा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग. हाँ एक्सचेंज कर दीजिए. समझ में आया क्या है? ऊपर क्या कर देना, स्ट्रिंग कर देना, नीचे स्प्रिंग कर देना, और स्ट्रिंग को कट करना है ना. धागा धागा चाचा धागा. यस रुद्रा यू आर राइट बेटा. सर क्या आरबीएससी लेक्चर चल रहा है? यस बेटा. वेरी गुड अमित. सॉरी आर्यांश बेटा, वो थीटा ना ध्यान से देख बेटा. थीटा जो उसने दे रखा है ना, वो पता है किससे दे रखा है? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर से. 30th प्रॉब्लम में ध्यान से देख. जल्दी से ट्राई इट आउट एवरीवन, ट्राई इट आउट. दो होंगे ना आंसर, एक जीरो आएगा. हाँ परफेक्ट. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें यही बोला है कि जस्ट आफ्टर कितना होगा. ऑब्वियसली बाद में तो दोनों जी से गिर रहे होंगे. ठीक है, इट्स ओनली अबाउट जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग और स्प्रिंग. ओके बच्चे. फोकस सही है क्या कैमरे का? एक बच्चा बोल रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है. फोकस तो सही है यार बेटा. चलिए कर लेंगे आप लोग ये वाला सवाल. ट्राई इट आउट. क्वेश्चन क्या पूछा मैंने इसी में, बस खाली एक्सचेंज कर दिया. मास इज एम हेयर एंड दिस इज 2m. यहां से अपन ने इसको काट दिया. ओके गाइस चले देखिए सीन क्या. सीन ये इनिशियली यहाँ पे कितना होगा बेटा, के एक्स नॉट. नीचे कितना होगा? 2mg. तो के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2mg के बराबर. हाँ या ना? ऊपर क्या रहेगा? ऊपर t है, नीचे क्या लगेगा? mg. और क्या लगेगा बेटा? के एक्स नॉट. यस और नो बच्चे? तो t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? mg प्लस के एक्स नॉट. मतलब t की वैल्यू बेसिकली 3mg के बराबर है. ओके गाइस हाँ या ना? चलिए
देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेता हूँ ए वन, इसका एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेता हूँ ए टू। इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, इसकी लिखूंगा 2mg यस आर नो माइनस के एक्स नॉट, परफेक्ट है कि नहीं? दैट शुड बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2mg माइनस के एक्स नॉट शुड बी इज इक्वल्स टू 2m इनटू क्या माना था इसका a1। ओके, के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा प्रीवियस वाले से 2mg, तो 2mg माइनस 2mg मैटर क्लोज, a1 की वैल्यू कितनी आ गई छोटे 0, मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग राइट दिस ब्लॉक ऑफ मास 2m विल रिमेन स्टेशनरी फॉर सम टाइम। ओके चलेगा, आगे चलते हैं अगला। इसकी क्या कहानी होगी सच सोचा, इस पर अब क्या लग रहा है, सिर्फ mg लग रहा है और साथ में kx नॉट भी लग रहा है, बोलो हाँ या ना। इसका एक्सेलरेशन आपने a2 की तरफ नीचे मान लिया, तो इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे बेटा आप, mg प्लस kx नॉट दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन a2, yes or no? What was the value of kx नॉट फ्रॉम स्टेप वन, इट वॉज 2mg राइट, 2mg प्लस mg दैट वुड बी 3mg दैट इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ a2, मैटर क्लोज, a2 इज नथिंग बट 3g। किसके बेटा, इसमें भी लिया ना टेंशन जीरो बेटा, देखो यहां पे भी टेंशन लग रही थी ना ऊपर, बस मैं इसमें स्टेप नहीं लिखा, स्ट्रिंग कट किया बेटा, स्ट्रिंग नहीं, नहीं अगर स्प्रिंग को कटोगे तो स्प्रिंग में लिखेंगे अपन फिर। हाँ चलें आगे की तरफ, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम एनएलएम। ठीक है बेटा, अब चलते हैं फ्रिक्शन की तरफ। सीपीबी मिल गई है सबको, नहीं मिली? अरे जोर से बोलना, खाना ना नहीं खाते क्या तुम लोग, मिल गए? चलो तो पहला सवाल सीपीपी फ्रिक्शन का, कल करेंगे डिस्कशन, अभी थोड़ा सा गेटिंग इट, ओके यस माय ब्रो। चलो अच्छा, यू थॉट अपन ने स्प्रिंग काटी, ओ ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट चलो गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग बच्चे, चले भाई चलिए चलिए चलिए। पहला प्रश्न व्हाट डज इट सेज, इट सेज अ ब्लॉक कैप्ट ऑन अ रफ इनक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर रिमेन्स एट रेस्ट अप टू मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन। ओके, डाउन द इनक्लाइन प्लेन द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं बेटा वो इसी वीडियो की लिंक में जाए, मतलब नीचे जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सीपीपी मिल जाएगी। ओके चले, व्हाट इज द प्रॉब्लम सेज, इट सेज अ ब्लॉक कैप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, ओके रिमेन्स एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है, जब तक 2 न्यूटन नहीं लगता वो क्या रखता है, रेस्ट पर रहता है। द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से ज्यादा लगेगा तो क्या लगने लगेगा, मूव होने लगेगा। द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट बेटा, चले कटाक से करके दिखाएंगे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ट्राई इट आउट।
यस जशनूर, फ्रिक्शन ही चल रहा बेटा। फर्स्ट प्रॉब्लम ट्राई कर बच्चे। चलिए देखते हैं। बना किसी से बेटा? वेरी गुड। चल देख छोटे, सीन क्या? सीन कुछ ऐसा, ये इंक्लाइन है, एंगल कितना देर का बता जरा। 20 डिग्री? हाँ, मैंने बोला यार ये पागल वागल हो गए क्या ये लोग, 20-20 डिग्री दे रहे हैं, 15 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है? 10। मास की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना, एम मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, नीचे कब तक मूव नहीं कर रहा है? 2 न्यूटन तक, आई थिंक। यस, अबे बोलो कबाड़ियों, ऊपर कब तक मूव नहीं कर रहा है? 10 न्यूटन तक। क्लियर है क्या? चल देख बेटा, तो सबसे पहला वाला केस लेते हैं, 2 न्यूटन तक मूव नहीं कर रहा है, तो पीछे क्या लग रहा होगा बेटा? फ्रिक्शन, बोलो हाँ या ना। और फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लग रही होगी, स्टैटिक की लिमिटिंग? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम दे रखा उसने, हाँ या ना? चलिए, अच्छा सब सिंपल, एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये मास एम है, राइट, सच दैट ये मूव नहीं कर रहा है, करेक्ट है, पीछे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू एम जी को ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पीछे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा है? नो, If it is not moving, see, friction की value force के बराबर होती है जब तक force limiting friction से ज्यादा ना हो। Tell me yes or no? Yeah, the answer will be mg sin theta itself. If it was moving, right? If it was moving, then it will act as a mu mg cos theta. Clear है कि नहीं है? तो जब तक मूव नहीं कर रहा है, तब तक जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के बराबर होगा। लेकिन अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन की औकात से ज्यादा लगने लग जाए, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगने लग जाए, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिटिंग के बराबर। ओके गाइस, चलो देखेंगे ध्यान से। दिस इज थीटा, राइट, सी, तो इसकी जब एफबीटी बनाओगे, सबसे पहले 2 न्यूटन वाले की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? इधर की तरफ एक और लगेगा, दैट इज mg sin 30, हाँ या ना? तो फ्रिक्शन शुड बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि क्या मूव तो नहीं कर रहा है, एमजी साइन 30 प्लस 2 शुड बी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख दूं म्यू एन। टेल मी यस और नो, क्योंकि जस्ट इस टेंडेंसी पे आ गया ना, जस्ट है ना, जस्ट उस टेंडेंसी पे आ गया है कि नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है क्या बेटा? तो लिख सकता हूँ टेंडेंसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एम जी कॉस 30 डिग्रीज। ऑल राइट, चलिए ध्यान से देखना। दूसरा, अब जब 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। टेल मी यस और नो। सो कुड आई से नाउ फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा करेक्ट है या नहीं है? शुड बी इज इक्वल्स टू 10, और यू कुड से 10 माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू, अब ये भी लिमिटिंग के बराबर है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। टेल मी यस और नो, तो कितना हो जाएगा लिमिटिंग? अरे क्लियर है क्या? नाउ ट्राई टू सॉल्व एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ म्यू, जल्दी से।
एम कट रहा होगा बेटा, इसलिए नहीं दिया होगा, डोंट वरी। एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली? निकालो, म्यू की वैल्यू निकालनी है ना, जल्दी निकालो जल्दी। आंसर कितना आ रहा है? हाँ, एम जी साइन थीटा की वैल्यू 4 आएगी, करो जल्दी से। रूट 3/2 है, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। अरे सॉल्व इट बाबा, जल्दी करो, नहीं हो रहा, हो गया। चलिए आई थिंक दैट्स इट, आगे चलें। अगला सवाल। अच्छा इसमें ना इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं ध्यान से, एक अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए देखिए, इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम बनते हैं। आपको पता है फ्रिक्शन एंजल का भी काम करता है और रॉबिन हुड का भी काम करता है, राइट? ये क्या करता है, ध्यान सुनना, अगर कोई फोर्स कम लग रहा है तो उसको सपोर्ट भी करेगा और कोई फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसको अपोज भी करेगा। तो मीनवाइल फ्रिक्शन कैन चेंज ऑल्सो द डायरेक्शन। फ्रिक्शन क्या कर सकता है? डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। आप ध्यान से सुनना, आईज ऑन द बोर्ड। कई कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लॉक है, यह एंगल थीटा है, इसका मास एम है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। आपसे पूछेगा गेट मी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन? गेट मी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। अब देखो, जब मिनिमम फोर्स लगाओगे, अब ध्यान सुनना, फ्रिक्शन किसकी तरफ जाएगा? जो फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगना चाहेगा? अपोजिट डायरेक्शन, जहां पे मोशन टेंड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो? अब देखो ध्यान से, इधर एफ लग रहा है, इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है, क्लियर है कि नहीं? अगर एफ मिनिमम होगा तो मोशन की टेंडेंसी कहां होगी? नीचे गिरने की, यस और नो? एफ अगर मिनिमम होगा तो बॉडी की टेंडेंसी कहां होगी? नीचे गिरने की। तो फ्रिक्शन मिनिमम फोर्स को सपोर्ट करेगा, यस और नो? और एफ मैक्सिमम होगा तो बॉडी की टेंडेंसी कहां होगी? ऊपर जाने की। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स को अपोज करेगा, करेक्ट है कि नहीं? फॉर मैक्सिमम फोर्स इट हैज वर्कड एज अ रॉबिन हुड और फॉर मिनिमम फोर्स इट इज वर्किंग एज अ एंजल, एंजल प्रिया। क्लियर है कि नहीं? चलते देखते ध्यान से। सी, इफ दिस इज एफ दिस इज एम, राइट एवरीवन? तो सबसे पहले निकालता हूं मैं मिनिमम। क्या निकालता हूं बेटा? मिनिमम। फॉर मिनिमम कुड आई से द एक्टिंग फोर्स विल बी इन सपोर्टिंग डायरेक्शन, यस और नो? मिनिमम फोर्स के लिए फोर्स कैसा होगा? सपोर्ट कर रहा होगा, करेक्ट है कि नहीं? और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? छोटे एम जी साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? सो कुड आई से एफ मिनिमम प्लस एफ मस्ट बी इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, अगर ये बॉडी कहीं मूव नहीं करनी तो, परफेक्ट है? और एफ की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बेटा? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एफ मिनिमम विल बी गिवन बाय एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स। क्लियर है क्या? What would be the value of maximum force, बेटा? ऊपर की तरफ क्या लगाया? अपन maximum लगाएं तो friction क्या करेगा? Oppose करेगा, very good. तो if this is F max, if this is F max, the friction will be in this direction. Did you guys get it or not?
Let us suppose this is mass m. mg sin theta इधर ही लगेगा? हाँ या ना? तो कुड़ाई से f max must be is equals to this frictional force plus mg sin theta, right? mg sin theta plus frictional force. Limiting डाल देता हूँ डिरे? Yes or no? तो कोई भी फोर्स अगर आप इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी. क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है. हाँ या ना? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है. मतलब आप देख रहे हो मिनिमम से जब मैक्सिमम हुआ तो फ्रिक्शन, ध्यान सुनते जाना, पहले मिनिमम में किधर था? इधर था. और जैसे जैसे आप मिनिमम से फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन कम होता जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा. हाँ या ना? तो अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो पहले फ्रिक्शन कैसा था? पॉजिटिव. उसके बाद फ्रिक्शन कैसा हो गया? नेगेटिव. हाँ या ना? सो दैट इज द केस. इससे आप, मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू पुल फोर्स की कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू पुल फोर्स की कितनी होगी. अब एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, देखेंगे ध्यान से. ये नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आएंगे जो प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, कि एक मास m है और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. मास m है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. व्हाट वुड बी द मिनिमम पुलिंग फोर्स टू मूव दिस ब्लॉक? क्वेश्चन क्या है? What is the minimum pulling force to move this block? रट लिया यार तूने तो, गजब. वेरी गुड. ठीक है, सही है. क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट. द आंसर विल बी क्या? 1 plus. मुझे याद नहीं आंसर, बट ठीक है, शायद सही है. क्लियर है कि नहीं है? ट्राई इट आउट एंड सॉल्व इट. तो सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.